हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून्स ऑफ संगीता में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इडली सांभर और नारियल की चटनी और एक जो हम अनियन और टमाटो की चटनी जो हमको रेस्टोरेंट में सर्व होती है नॉर्मली, उसकी रेसिपी। सांभर की रेसिपी मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपने चैनल पर, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूँगी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। इडली का बैटर बनाने के लिए हमारे को चाहिए एक ग्लास चावल और एक कटोरी से थोड़ा सा कम उड़द की दाल और एक चम्मच हमारे को चाहिए इसमें मेथी दाना। अब इसको हम 4 से 5 पानी में धोकर के इन दोनों को अलग अलग भिगाएंगे, दाल को अलग और चावल को अलग, और दाल के साथ हम मेथी दाना भी भिगा के रख देंगे। 4 से 5 घंटे हम इसको भिगा के रखेंगे और फिर हम इसको पीस करके और इसका बैटर तैयार कर लेंगे और उसको 7 से 8 घंटे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। ये हमने जो दाल और चावल था उसको अलग अलग पीस करके अब हमने मिक्स कर लिया और अब हमारे को ये देखिए इस कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही थोड़े पानी के साथ ऐसे ये गाढ़ा गाढ़ा सा एक बैटर हमने तैयार कर लिया। नारियल की चटनी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमारे को चाहिए 1 कप नारियल कटा हुआ, फ्रेश नारियल है ये। इसमें हम 2 चम्मच ये हमने दाल, चने की दाल को 2 घंटे भिगा के रख दिया था और वो हम इसमें डालेंगे। अगर आप इसके बदले में अगर आपके पास भुना हुआ जो चना है, मसाले वाला नहीं, जो बिना भुना हुआ जो हम लोग खाते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो आप 2 चम्मच वो भी इसमें डाल सकते हैं इसके बदले में, चने की दाल के बदले में। थोड़ा सा फ्रेश धनिया 1 इंच के करीब, अदरक 3 हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, 1 चम्मच के करीब नमक इसमें डल जाता है। और इसमें अब हम डालेंगे 4 चम्मच फ्रेश दही और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसका देखिए अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये तड़के के लिए हमने अपना पैन गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 1 चम्मच और 1/2 चम्मच और ऑयल डालेंगे। इसमें ये 1/2 चम्मच उड़द की दाल, 1/2 चम्मच काली सरसों और ये साबुत लाल मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। मेरे पास फ्रेश नहीं है इसलिए मैं ड्राई कड़ी पत्ते यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ही कड़ी पत्ते यूज कीजिएगा। ये देखिए इसकी हमारा तड़का इसके ऊपर तैयार है। इसको हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इडली के लिए जो हमारे को टमाटो चटनी चाहिए उसके हम पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए हमारे को चाहिए 1 मीडियम साइज का प्याज, 4 टमाटर। इसमें प्रपोर्शन ये होता है कि जितना प्याज है उसका दुगना टमाटर, 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई, थोड़ा सा इमली का पल्प, थोड़ा सा तड़के के लिए काली सरसों, 4 लाल मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की 4-5 कलियां, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। मेरे पास इस समय ये सूखा कड़ी पत्ता है, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो आप फ्रेश कड़ी पत्ता भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच उड़द की दाल और आवश्यकता अनुसार नमक और 1 चम्मच तेल जो हमारे को तड़के में लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें हम थोड़ी सी सबसे पहले हींग डालेंगे, फिर हम इसमें ये काली सरसों, जैसे ही काली सरसों थोड़ी तड़कने लगेगी फिर हम इसमें ये उड़द की दाल, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक, इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे।
अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारे को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्के से हमारे को ना थोड़ा सा इनको भूनना है ताकि ये थोड़े से जो इनकी क्रंचीनेस है वो कम हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इस स्टेज को ये टमाटर डालेंगे। नमक एक चम्मच के करीब इसमें नमक डल जाएगा। नमक डाल करके अब हम इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक के रख देंगे ताकि ये जो हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और अभी हम इसमें ये 2 चम्मच के करीब खटास के लिए इमली का पल्प डाल दें। अब हम इसको 2 से 3 मिनट ढक देते हैं ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए ये टमाटर एकदम हमारे गल गए हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने रख देते हैं और इधर तब तक हम अपनी इडली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने इधर इडली कुकर हम गरम होने रख देते हैं, जब तक हमारा ये पानी बॉईल होगा, स्टीम इसमें तैयार होगी, तब तक हम उधर जो हमारा बैटर हमने तैयार किया है उसको हम इडली स्टैंड में लगा लेते हैं। ये हम इसको इडली स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा सब पे ऑयल लगा करके इनको ऐसे ग्रीस कर लेते हैं। और इधर ये देखिए ये जो हमारा बैटर था ये एकदम बहुत अच्छे से फर्मेटाइज हो गया है, बहुत अच्छे से ये फूल गया है। इस ढंग से सब स्टैंड पे लगा लेंगे इडली। उधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है और ये हमारा हमने स्टैंड तैयार कर लिया है। अब हम इनको स्टीम होने के लिए रखते हैं। हमारा काफी अच्छे से स्टीम तैयार हो गई है और ये अब हम इसमें अपना इडली स्टैंड रख देते हैं और इनको हम 10 मिनट तक फुल आंच पर इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं। ये अब हमारा मिक्सचर जो हमने टमाटो चटनी का बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमारी चटनी टमाटो चटनी पीस करके एकदम रेडी है। इसको हम ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी ये टमाटो एंड अनियन चटनी बन करके रेडी है। ये अब हमारी इडली स्टीम होकर के हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर हम इनको निकाल के इनकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये हमारी इडली सांभर और हरी चटनी, नारियल की चटनी और टमाटर और प्याज की चटनी के साथ हमारी इडली सर्व करने के लिए तैयार है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले दिनों में भी वीडियोस का लिंक मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।